हाई एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ अमेज़न शॉपिंग हॉल। अमेज़न पे बहुत ही अमेजिंग अमेज़न ग्रेट फ्रीडम सेल चल रही है फ्रॉम 4th ऑफ अगस्त टू 8th ऑफ अगस्त। राइट टाइम टू शॉप फ्रॉम अमेज़न। 250 to 80% तक टॉप ब्रांड्स पे ऑफर चल रहे हैं, ग्रेट फैशन डील्स आपको मिलेंगी। आपको पता ही होगा अमेज़न पर बहुत ईजी रिटर्न एंड एक्सचेंज फैसिलिटी अवेलेबल है, पे ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, बिकॉज हर जगह आई थिंक बहुत ही ताबड़तोड़ बारिश होना स्टार्ट हो चुकी है, तो मैंने रेनी सीजन को ध्यान में रखते हुए फुटवेयर मंगवाए हुए हैं। जरा सा भी मेरा फुटवेयर कोई भी स्लिपरी हो जाता है ना, मैं उसको चेंज कर देती हूँ। तो मैंने बिल्कुल नॉन स्लिपरी रेनी सीजन के अकॉर्डिंग, आप ऑफिस वेयर में भी उसको इंक्लूड कर सकते हैं, कॉलेज वगैरह में पहन सकते हैं, आसपास कहीं जा रहे हैं उसके लिए पहन सकते हैं, घर में पहन सकते हैं, बाहर पहन सकते हैं, उस तरीके के कुछ स्लिपर्स हैं। बहुत कंफर्टेबल हैं, मतलब लिटरली 2-3 इस तरीके के हैं जो बहुत ही अमेजिंग लगे मुझे क्वालिटी एंड प्राइस के हिसाब से, और बहुत अच्छे डील पे मुझे मिले हैं। तो यस, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट प्रोडक्ट से। तो सबसे पहले आते हैं बाटा के फुटवेयर पे। आई लव दिस ब्रांड, मतलब जब भी अफोर्डेबल ब्रांड और बेस्ट क्वालिटी ब्रांड के बारे में बात आती है तो आई थिंक बाटा इज द वन जो अफोर्डेबल भी है, इतने एक्सपेंसिव नहीं रहते हैं, क्वालिटी भी उनकी बहुत अच्छी रहती है, बहुत बहुत चलते हैं। सो दीज आर माई फर्स्ट स्लाइड ऑन। एक तो कलर देखिए कितना ज्यादा प्यारा है इसका, एंड दूसरी चीज मुझे इसकी बहुत अच्छी ये लगी कि इतने कंफर्टेबल है, अगर आगे देखेंगे ना पैरों में तो हल्का सा एक्यूप्रेशर इफेक्ट दिया हुआ है, एंड पीछे से इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ही ज्यादा अच्छी है, बहुत कंफर्टेबल टू वेयर है, एंड लुक्स वेरी स्टाइलिश, बहुत अच्छे लगे मुझे, हाईली हाईली रिकमेंडेड। कमिंग टू माई सेकेंड प्रोडक्ट इज दिस प्रोडक्ट, मतलब ये आप ऑफिस वेयर में पहन सकते हैं, आप कॉलेज जाते हैं वहाँ पहन सकते हैं, किसी भी तरह के ड्रेस में, सूट में, डेनिम पे उसके ऊपर पहन सकते हैं, बिल्कुल कंफर्टेबल है, बारिश के लिए एकदम अप्रोप्रिएट है, और इतने अमेजिंग लग रहे थे पैर में, मतलब बहुत अच्छे लगे मुझे, बहुत कंफर्ट दे रहे थे ये पैरों को। तो ये है मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट। कलर बहुत ज़्यादा प्यारा है और दिखने में बहुत स्टाइलिश लग रहे थे, एंड सबसे मेन तो कम्फर्ट आता है। पीछे से आप इनका सोल देखेंगे ना तो बहुत ग्रिप वाला सोल है, मतलब टाइल्स पे, मार्बल्स पे बिल्कुल भी स्लिपरी नहीं रहेगा। मॉल्स वगैरह जाते हैं बारिश में तो देखा होगा ना कितना गीला गीला और कितना स्लिपरी रहता है। तो यूजुअली होता है ना, आप जब बारिश में चलते हो तो पीछे किसी कीचड़ उछलता है जो आपके डेनिम पे या पैरों पे लग जाता है, वो इन फुटवेयर्स में बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो बहुत अच्छे लगे मुझे, अगेन हाईली रिकमेंडेड, क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी थी। ये है मेरे नेक्स्ट प्रोडक्ट और प्राइस भी इनका बहुत अफोर्डेबल है। ओके, नाउ कमिंग टू माई नेक्स्ट प्रोडक्ट आर दीज सैंडल्स। तो अगेन, इफ यू आर ऑफिस गोइंग पर्सन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। हर चीज पे जाएगा, सूट, साड़ी, ड्रेसेस, हर ड्रेस पे जाएगा ये, और काफी अच्छे भी लग रहे हैं, थोड़ा फॉर्मल, इनफैक्ट आप इसको फॉर्मल्स के ऊपर भी पहन सकते हो, तो मुझे तो काफी अच्छे लगे। बस मुझे एक कंसर्न हल्का सा ये था कि मुझे पीछे से ना थोड़े से स्लिपरी लग रहे थे, इनका ग्रिप मुझे उतना तगड़ा नहीं लगा जितना मुझे बाकियों का लगा है। प्राइस की अगर बात करें, क्वालिटी की बात करें, दिखने की बात करें तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है। नाउ कमिंग टू माई नेक्स्ट प्रोडक्ट आर दीज ब्यूटिफुल सैंडल्स फ्रॉम बाटा। अगेन मुझे ये उससे जो ब्लैक वाले भी मैंने आपको दिखाया ना उससे ज़्यादा पसंद आए। एक तो ये पैरों को बहुत अच्छे से कवर करते हैं, ये मात्र 300 रुपये में आए हैं, इनका पीछे का जो ग्रिप है वो इतना अमेजिंग है, किसी भी एज के आप हैं, आप यंग हैं, आपकी मम्मी के लिए, किसी भी एज के वेमेन के ऊपर ये इतना अमेजिंग लगेगा, पैरों को इतने अच्छे से हग कर करके हग कर लेता है, इस तरीके से कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा लगा मुझे। और प्राइस देख करके तो मैं एकदम शॉक ही हो गई थी, मतलब 300 रुपये में क्या आता है बाटा में, स्लिपर्स भी नहीं आती है। सो गाइज, ग्रेट ग्रेट डील है, इसको छोड़िएगा मत। कमिंग टू माई नेक्स्ट प्रोडक्ट आर दीज रेड टेप के फुटवेयर। ये भी मुझे इनकी सबसे बेस्ट पार्ट ये लगी, मैंने रेड टेप के कभी भी फुटवेयर्स नहीं परचेस करे हैं या नहीं मंगवाए, ना कभी ट्राई नहीं करें, मुझे नहीं पता था कि ये इतनी अमेजिंग क्वालिटी के आएंगे। सबसे बेस्ट चीज़ इसकी ये थी कि ये इतने ज़्यादा लाइट वेट हैं, इतने ज़्यादा लाइट वेट हैं कि आपने पैरों में क्या पहना हुआ है आपको पता ही नहीं चलता है। जैसे ये जो बाटा के फुटवेयर्स हैं, दे हैव लिटिल वेट ना, ये लाइट वेट है, ये है ही नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा आपने पैरों में कुछ पहना हुआ है। दूसरी चीज़, ये इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल एंड कम्फर्टेबल है कि दाद देनी पड़ेगी इसकी मुझे। उसके बाद ये पीछे से आप इसका सोल देखिए, इट्स अमेजिंग, मतलब आपको कोई धक्का भी मारेगा आप इसमें दौड़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ये स्लिप नहीं होने वाला, इट्स दैट ग्रेट। आगे का जो इसका पूरा जो ये पैर को अच्छे से हक और कवर करता है ना, वो भी इतना सही है। 1600 के हैं बट 600 में मुझे मिले हैं, डेफिनेटली वर्थ द प्राइस है। मेरे पास क्रॉक्स के एक फुटवेयर है जो मैंने परचेस करे थे, व्लॉग में भी दिखाया था, ये उसके टक्कर के हैं, मतलब क्रॉक्स को टक्कर दे रहे हैं, क्रॉक्स के लेवल का है। क्रॉक्स की स्लिपर्स मैं 3000 की लेकर के आई थी,
उसके टक्कर का ये 600 रुपए का फुटवेयर है जो कि बहुत अमेजिंग है। माय नेक्स्ट फुटवेयर आर दीज बाटा के जो स्लाइड ऑन्स है ये, तो हम लोग इनको काफ़ी दिन से यूज़ कर रहे हैं, ये अभी नए नहीं है बट क्योंकि अभी फुटवेयर की बात कर रही हूँ तो मैं इनको दिखा देती हूँ। सो दीज आर द स्लाइड ऑन्स, पीछे से थोड़े से गंदे हो रहे थे मैं बता नहीं सकती हूँ, तो इनको अप्रॉक्सीमेटली 6-7 महीने के ऊपर हो चुका है हम लोग यूज़ कर रहे हैं, घर में पहनने के लिए यूज़ करते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के लिए हैं, बिल्कुल भी स्लिपरी नहीं है, बट हाँ ये थोड़े एक्सपेंसिव आते हैं, ये 800-900, 1000-1100 रुपये का आता है। तो अगर आप इनसे इनको कंपेयर करोगे तो अगेन मैं इनको ज़्यादा रेटिंग दूंगी। ये थोड़े बड़े साइज़ के मंगवाए क्योंकि मुझे घर में कंफर्टेबल बड़ा साइज़ ही लगता है, वैसे मैं 4 या 5 पहनती हूँ, बट ये मैंने सिक्स नंबर मंगवाया बिकॉज आई लाइक टू वेयर लूज फुटवेयर्स एट होम। आपको याद होगा तो मैंने प्यूमा के फुटवेयर मंगवाए थे, स्लाइडर्स मंगवाए थे और काफ़ी एक्सपेंसिव थे, ये 2500 कुछ के थे जो मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे। डेफिनेटली ये फेक नहीं हो सकते हैं क्योंकि मैंने प्यूमा जो स्टोर होता है ना, ऑथेंटिक स्टोर होता है, वहाँ के अमेजन से मंगवाए थे, तो ये मुझे लगता नहीं है कि ये फेक आए होंगे। पीछे से इनकी हालत देखिए, मतलब विद इन 6 मंथ ये इतने बुरी तरह से घिस चुके हैं और स्लिपरी हो चुके हैं कि मुझे बिलीव नहीं होता है कि ये 2500 रुपये के फुटवेयर हैं। तो अगर आप ऐसा कोई ब्रांड ट्राई करना चाहते हैं तो उन सबसे बेटर, मैं देखो रेक्टिव वालों ने मुझे पैसे नहीं दिए, बट दिस इज सच अ ग्रेट फुटवेयर ऑप्शन। उसके बाद जो सेकेंड ऑप्शन है, फिर आप बाटा पे जा सकते हो। द सेल इज गोइंग ऑन, दिस इज द राइट टाइम टू बाय दीज। आपको अगर इस तरीके का कुछ स्लाइड ऑन्स वगैरह चाहिए होगा तो काफ़ी सारे ऑप्शंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। सो येस, दैट्स इट फॉर माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।